सब एक तरफ हो गए हैं, सब जा रहे हैं। तो जाने दो, क्या करूं मैं? क्यों, तुम जिंदगी भर मेरे साथ नहीं रह सकती? Why not? हम कल की फ्लाइट बुक कर लेते। कल नहीं, नेक्स्ट वीक। क्यों? एक गेम खेल रहा हूं और उस गेम में मुझे बहुत मजा आ रहा। कैसा गेम, किसके साथ और कहां खेल रहे हो? अभी नहीं बता सकता मेरी छोड़। ओ साथ, नेक्स्ट मंथ मेरी प्रमोशन हो रही है, फिर मेरे पास कोई टाइम नहीं होगा। तो छोड़ दो अपनी जॉब, जितनी सैलरी मिलती है उससे डबल दूंगा मैं। वैसे भी मैं तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस तो कवर कर ही लेता हूँ, सारे खर्चे मुझ पे ही हैं। उठाते हैं, मैं मानती हूँ उस बात को, लेकिन यू नो मैं घर में फ्री नहीं बैठ सकती। एक अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन पे जॉब करना मेरा ड्रीम था। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। अच्छा अभी बताओ क्या प्लान है? लेट्स गो, कुछ खाते हैं आज। ओके। जब तुम्हारी आलियान से बात हो ना निशा, तो ये घर की सारी बातें उसे मत बताना। देखो ना, वो पहले ही आमना की बीमारी को लेके इतना परेशान है, तुम्हारी बात सुनेगा तो फिर वो और टेंशन में आ जाएगा ना। भाई अम्मी ठीक है ना? कहीं भाई को शक ही ना हो जाए। डन। ओके। सारी बातें मैंने आपकी सुन ली हैं। अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ फिर। ओके बाय। आज अब सोई नहीं, वो तुम्हारे भाई बिजी थे ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ बातें कर लूँ। कीजिए। हाँ अंबर, तुम जानती हो ना कि तुम और सुंबुल मेरे लिए बहनों की तरह हो। मैं तुम लोगों के लिए ना तो कुछ गलत देख सकती हूँ और ना बर्दाश्त करूँगी। बिल्कुल, अब आप हमारी भाभी हैं, हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगी, अच्छा ही करेंगी, इसलिए तो मैं आपकी इज्जत करती हूँ। तुम आज अपनी दोस्त की बर्थडे पर नहीं गई थी ना? मतलब? मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था गाड़ी में। क्या?
आसिम हमें पार्लर से लेने गए थे, शुक्र करो आसिम ने और सुम्बुल ने तुम्हें नहीं देखा। क्या फिजूल बात कर रही हैं आप? अगर आप कोई मजाक कर रही हैं तो ऐसे मजाक मुझे पसंद नहीं है भाभी। अंबर मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस बोल रही हूँ। अच्छा कैसी थी गाड़ी, कैसा था वो लड़का? अंबर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? वो ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी थी और मुझे लड़का भी कोई अमीर कबीर लग रहा था। देखो अंबर, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। ये जो अमीर कबीर लड़के होते हैं ना, ये तुम जैसी मासूम लड़कियों को यूज करते हैं। हद होती है भाभी, गलत बात बोले जा रही है। मैंने कहा ना मैं नहीं थी, पता नहीं किसको देख लिया है आपने। नहीं, मेरे पहचानने में गलती नहीं हो सकती, वो तुम ही थी। नहीं थी मैं। अच्छा मैं थी ना, तो एक काम करते हैं, मॉम के पास चलते हैं और मॉम से पूछते हैं कि मैं बर्थडे पार्टी में थी या किसी के साथ गाड़ी में थी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी फिजूल बातों से मैं डर जाऊंगी तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। अगर मुझे अम्मी को बताना होता ना तो मैं तुमसे आकर बात नहीं करती, मैं डायरेक्ट जाके उनको बता देती। देखो अंबर, बस फिजूल बात कर रही हूँ और उस पर अड़ी हुई है। तुम जानती हो कि मैं सच कह रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं और झूठे इल्जाम लगा रही हैं। अगर आप सच बोल रही हैं ना तो मॉम और भाई के सामने बात करें और अपनी गलत बात को सही साबित करें और सच साबित करें। कैसे साबित करेंगी अपनी बात को हैं? या लोगों को बोलेंगी मेरी बात पर यकीन कर लो, मेरी बात पर यकीन कर लो, मेरी बात पर यकीन कर लो, और सब आपकी बात पर यकीन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम साबित कर सकती हो कि तुम सच कह रही हो? जरूरत ही नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मॉम को बता के गई थी, मॉम से परमिशन लेके गई थी। आपको जरूरत है सबूतों की, मुझे नहीं, क्योंकि इल्जाम लगा रही है आप। बस जाए भैया, नहीं करनी बात जाए। कितनी शातिर लड़की है, अल्लाह ताला भाई ने ना देखा हो, बस अपना मुंह बंद रखे। अल्लाह ताला खोल भी देगी तो क्या है, डरती हो क्या? मैं डर तो गई थी। हेलो, नेहा कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं, आप बिजी थे तो मैं सहन में वॉक करने गई थी। अरे नहीं बिजी, क्या हुआ है? कोई बात हुई है? अपसेट लग रही? नहीं, वहम है आपका। नहीं वहम नहीं, कोई बात तो है, मुझसे छुपाओगी? कहा ना वो आप बिजी थे तो बस मैं। आई एम सो सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि तुम्हें भी सोना होता है। पार्लर से थकी हुई आती हो, बेआराम आती हो और मैं यहाँ काम पे लगा होता, लाइट भी जल रही होती है, लैपटॉप की खटखट भी हो रही है, तो नींद तो आ ही नहीं सकती ना। ऑफिस वाले ना इतना काम दे देते हैं कि ऑफिस टाइम में खत्म ही नहीं होता। दोबारा नहीं लाऊंगा ऑफिस का काम घर पे। आसिम इतना परेशान होने की बात नहीं है, बस रहने दे। परेशान नहीं, तुम परेशान तो मतलब मैं परेशान। और पता नहीं क्यों मेरे जहन से निकल जाता है कि तुम भी मेरी तरह सुबह पार्लर जाती हो, काम करती हो और थकी हुई वापस आती हो। अच्छा ये प्रॉमिस दोबारा नहीं होगा, मुझे कोई काम होगा मैं बाहर जाके कर लिया करूँ। मैंने कहा ना बस छोड़ दे। छोड़ने के लिए तो पकड़ेंगे, कोई छुड़ा के दिखा। और मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। कि मोहब्बत अगर एक तरफ बहुत ही शदीद हो तो तीर की तरह दूसरे के दिल को जाके लगती है। ये कपड़े आपने खुद डिजाइन किए? अरे बिल्कुल सर, एक एक चीज, बल्कि मैं तो कहूंगा अपने हाथों से पिरोया है हर एक दाना, कि कैसा कैसा टैलेंट इस मुल्क में जाया हुआ है। मैं भी यही सोचता हूँ बॉस, लेकिन टैलेंट जाया होना नहीं चाहिए ना, कंपनी सोचे कि नए टैलेंट को हायर करें।
मुबारक हो, ये जॉब ना पक्का मिलेगी आप, मैं गारंटी देता हूं। ये नहीं वो घरों बाहर निकलेगी ना तो लोकेशन तेरे को आ जानी है। इधर भाई ये काम अब जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं सुंबुल को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। पहले अपने आप को स्टैंड करो, कुछ बनो, फिर अपनी फैमिली को घर लेके आओ, इज्जत से रिश्ता मांगो, जैसे शरीफ लोगों का तरीका होता है। निशा, निशा दरवाजा खोलो, मैं हूं साथ। निशा, तुम यहां क्या कर रही थी? वो आंटी ने कहा कि साथ आएगा तो फिर झगड़ा होगा, इसलिए मैं मेरे रूम में। I'm sorry. Sorry. तुम ये तुमने वो देखा, वो तुम्हारा कमरा है? That's your room, sweetheart. Not here. चले हम अपने कमरे में। साथ में आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। आओ, कुछ नहीं होगा। निशा, निशा, निशा। आओ बैठो, आराम से सो जाओ। वो मैं दोस्तों के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चला, देर हो गई, सॉरी। देखो निशा, तुम डरो नहीं। अरे बाबा आराम से सो जाओ, डरो मत, सो जाओ। मुझे पता है तुम मुझे अच्छी लगने लगी, तुम्हारी ये
भोली सी सूरज मेरे दिल को बहाने लगी। सोच वो तुम्हें कुछ Hey! क्या हुआ? हरा दिया तुमने मुझे। घर क्या रही थी तुम ये? कुछ नहीं, वो मॉम का मैसेज आया था, वो सुन रही थी। अब कुछ सामान मंगाया था, वो लेके आना था। तो कोई नहीं, मेरे साथ चलो, अब साथ में जाके ले लेना जो सामान लेना है। अब नहीं नहीं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मॉम खुद ले आएंगे। अरे रुको तो सही, कहाँ जा रही हो? अंबर, मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ काफी दिनों से, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्या बात है? ऐसी बात नहीं है, वो मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है यार, जब मेरी क्लास एंड होने लगती है तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि तुम सीनियर हो और मैं जूनियर हूँ। ये तो है। चलो कोई नहीं, मैं यहीं वेट कर लेता हूँ तुम्हारा, तुम क्लास ले लो अपनी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। उससे ज्यादा तुमसे करीब हो गया, तुम्हारा इस तरह दूर होना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं अपनी सर्विसेज नीलम से लेना चाहती हूँ। जैसा आपकी मर्जी, लेकिन एक बार मुझसे जरूर ट्राई कीजिएगा। हेड कर के मामले में बहुत टची हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, मुझे पता है आप नीलम से ही सर्विसेज लेती हैं, लेकिन आप नेहा को ट्राई करें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती है। मैंने तो सारी लड़कियों को बड़ा अच्छा ट्रेन किया, आपको पता है ना। चलें ठीक है, आपके कहने पे मैं कर लेती हूँ। ठीक है ना। अच्छा आप ना अपना सारा जो भी आपको चाहिए सर्विसेज यहाँ पे नोट करवा दीजिएगा, ताकि मैं भी अगली दफा चेक कर लूंगी। ठीक है ना? ठीक है। निशा, तुम साथ के कमरे में? वो आंटी साथ वॉशरूम में है, रात को उन्होंने मुझे जगा दिया, बहुत अच्छे से बात की, सॉरी किया मुझसे और अपने रूम में ले आए। देखो जैसा मैंने कहा था ना वैसे ही हुआ है, उसका गुस्सा वक्ती होता है, तुम समझती नहीं हो इस बात को। और उसने तुम्हें सॉरी कहा है, तुम जानती भी हो कि मर्द का सॉरी कहना कितनी बड़ी बात होती है, उसे बहुत झुकना पड़ता है सॉरी कहने के लिए। लेकिन आंटी, उनका गुस्सा, उनका रवैया बहुत खतरनाक, बहुत जुनूनी होता है। कह तो रही हूँ कि उसका गुस्सा वक्ती तौर पर होता है बस। तुम ना अपने माथे पे बल मत लाया करो, और वो जो कुछ कहा करे ना खामोशी से सुन लिया करो, जवाब मत दिया करो उसे। देखना आहिस्ता आहिस्ता ना उसे तुम्हारी कदर हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, तुमने आलियान को मैसेज किया? भाई ने मुस्कुराती पिक्चर भेजी थी अपनी और अम्मी की, कह रहे थे कि ऑफिस जाने से पहले ली थी, लेकिन मैं जानती हूँ पुरानी पिक्चर थी वो। बहुत ही हौसले वाला सबर वाला बच्चा है, सब कुछ अकेले फेस कर रहा है।
माशाल्लाह से उसे नजर ना लगे। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से भाई को परेशानी ना हो। शाबाश। अच्छा चलो मिलके नाश्ता करते। साथ ऑफिस नहीं जाएंगे आपके साथ? क्या हो गया निशा, उसका मूड अच्छा है, इंजॉय करो तुम लोग। आना होगा तो उसको आ जाएगा वो। तुम तो चल के मेरे साथ नाश्ता करो ना। जी आप चले, मैं बस चेंज करके आती हूँ। हाँ जल्दी से आ जाओ क्योंकि मुझे भी चेंज करके ऑफिस के लिए निकलना है। जी नहीं, क्लाइंट ने कंप्लेन किया है कि ऊपर का फ्लोर बड़ा गंदा है। क्यों, सफाई क्यों नहीं हुई आज? मैं अभी आके चेक करूंगी। साफ करो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसेस वसीम। ओ आप ही ने तो अभी कॉल की थी मुझे थोड़ी देर। जी, मुझसे ही आपकी बात हुई थी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से आपका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और खानदान में तो सब बहुत पसंद करते हैं उसे। मेरी नंद और मेरे भाई की तो ख्वाहिश है कि उनकी बेटी मेरी बहू बने, लेकिन मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहती, इसलिए चाहती हूँ कि उसका रिश्ता खानदान से बाहर हो जाए। नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं, आप परेशान मत हो। एक काम करें, ये एक एल्बम पड़ी हुई ना, इसको जरा देखें। इससे बहुत सारी अच्छी फैमिली की बच्चियों की ना तस्वीरें हैं। ये सब अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं। अगर कोई समझ में आती है आपको तो मैं आगे बात बढ़ाती हूँ। क्या पियेंगी आप, चाय या कॉफी? नहीं नहीं शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। अरे ये तो नहीं हो सकता, कुछ तो पी के जाना होगा आपको। भाई जो रिश्ता लेने आते हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल फैमिली की तरह होते हैं हमारे। चलिए जैसे आपकी मर्जी। हाँ नाजिश, वो मैं एक अच्छी सी कॉफी बना के भेजना और बिस्किट भी होने चाहिए साथ। हाँ फटाफट।